हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक इट ऑर्डर के बारे में। तो अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में लॉस करवा रहे हैं तो आप ब्रेक इट ऑर्डर का एक बार यूज करके ज़रूर देखिए, शायद आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने लगे। क्योंकि ब्रोकर ने ब्रेक इट ऑर्डर की सर्विस इसीलिए दी है ताकि ट्रेडर को लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट यहाँ पर वो पहले से निर्धारित किया हुआ प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, ब्रेक इट ऑर्डर क्या है मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों हम बात करें ब्रेक इट, तो ब्रेक इट कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो एक ब्रेक इट ए है, एक ब्रेक इट ए है। तो जब हम कोई स्टॉक बाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये ब्रेक इट ऑर्डर का यूज हम ट्रेडिंग के टाइम पर ही कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिंग में नहीं होता है इसका यूज, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी स्टॉक को इंट्राडे में बाई कर रहे हैं, चाहे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं निफ्टी के अंदर या फिर बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए हम किसी भी स्टॉक को 29 रुपये के भाव पर खरीद रहे हैं, ठीक है, ये इसका प्राइस है। जब हम इसको खरीदेंगे ना, बाई करेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिमिट ऑर्डर के थ्रू ये बाई करना रहता है। अभी ये मैं आपको एप्लीकेशन पर दिखाऊंगा, अभी लाइव ट्रेड करके, ठीक है। तो दोस्तों, इसको हम लिमिट पर खरीदते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक जो ब्रैकेट है ना, ये वाला दोस्तों रहेगा SL का। तो हम 29 रुपये का खरीद रहे हैं तो 3 रुपये का हमें चाहिए लॉस, इतना हम लॉस ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर डालेंगे 3 रुपये। हम प्रॉफिट कितना लेना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि प्रॉफिट लेना चाहते हैं हम 6 रुपये का। तो ये हमारा जो ब्रैकेट रहेगा ना, वो रहेगा टारगेट का। तो हमने क्या किया, लिमिट ऑर्डर पर इसको बाई किया। बाई करने के बाद अब हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमारी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमने CE खरीद लिया। अगर हमारी स्ट्रेटेजी बता रही है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो हमने पुट खरीद लिया। और सिंपल सी बात है, हमको ये देखना भी नहीं है क्योंकि अब हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। जितना भी आपको देखना है ना, ऑर्डर लगाने से पहले देखना चाहो उतना देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है ना, वो दोस्तों हो गया 1:2 का, यानी कि लॉस से 2 गुना आपका प्रॉफिट है। अब आपको यहाँ पर सेल नहीं करना है। ए ऑर्डर भी आपका सेल का ही है और ए ऑर्डर भी आपका सेल का ही है। अब आपको सिर्फ 2 चीज़ें नसीब होंगी, या तो आपका टारगेट मतलब कि प्रॉफिट, या आपका SL मतलब कि लॉस। और जब आपका एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे तो आपका ए अचीव हो जाए तो आपका ए वाला कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपका ए वाला अचीव होता है, ठीक है, तो फिर आपका ए कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे कि अब आप मान लीजिए कि मुझे कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है, तो सिंपल यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, किसी में स्टॉक को भी कर सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ पर मैं निफ्टी में ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं कर लूँगा निफ्टी 7 दिसंबर। मान लीजिए कि मुझे 20,750 का कॉल लेना है, तो मैंने कॉल पर क्लिक किया। अब दोस्तों मैं इसको बाई करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये बाई पर क्लिक किया। अब इसके बाद हमें इसमें ऑर्डर डिटेल्स में देखिए मार्केट ऑर्डर मिल रहा है, लिमिट ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे ना, तो हमें इसमें मिलेगा ब्रेक इट ऑर्डर। अब देखिए दोस्तों, ब्रेक इट ऑर्डर पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आप इसमें मतलब कि जो मार्केट प्राइस है ना वो नहीं रहेगा, फिर आपको अपना प्राइस इसमें फिल करना रहेगा। तो जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं अपना प्राइस इसमें 33 रुपये ही रखता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा अभी डाउन आने वाला है, अगर 33 रुपये पर आता है तो इसमें मेरी जो ख़रीदारी है मतलब कि ऑर्डर है वो प्लेस हो जाए। अब इसके बाद आप इसमें अपना टारगेट कितना रखना चाहती हैं, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं इसमें 6 रुपये रखना चाहता हूँ। स्टॉप लॉस आप कितना रखना चाहती हैं, तो मैं स्टॉप लॉस इसमें 3 रुपये का रखना चाहता हूँ। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मेरा ब्रेक इट ऑर्डर लग गया और अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं इस ट्रेड को लगा के भूल भी जाता हूँ तो मुझे अधिकतम लॉस होगा 3 रुपये का, और जो अधिकतम प्रॉफिट है वो भी दोस्तों 6 रुपये का होगा। तो यहाँ पर मैं इंस्टेंट बाई पर क्लिक करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ब्रेक इट ऑर्डर के थ्रू हमने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया है। 27 दिसंबर की एक्सपायरी डेट है, 20,750 का कॉल ख़रीदा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ब्रेक इट ऑर्डर ये लिखा हुआ है, और मैंने एक ही लॉट लिया हुआ है, 29 के प्राइस पर मैंने लिया था। अभी के टाइम पर अगर हम ऑर्डर्स में जाएं तो हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन उसी के यहाँ पर अभी 2 ऑर्डर हो गए हैं। और दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक भी कर लिया है, मतलब कि 35 रुपये वाला यहाँ पर ये वाला ऑर्डर सक्सेस हो गया है। और जब ये 35 रुपये पर हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है ना, तो ये ऊपर वाला स्टॉप लॉस था तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कैंसिल कौन सा हुआ है, मतलब कि जो हमारा स्टॉप लॉस था ना वो कैंसिल हुआ है, सक्सेसफुल 2 हो गए हैं। एक हमने ख़रीदा था 29 रुपये पर ख़रीदा था, और ये हमने 35 रुपये पर सेल कर दिया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि मार्केट अभी भी ऊपर गया है,
लेकिन हमारा यहाँ पर लॉस भी सीमित था और प्रॉफिट भी फिक्स था, ठीक है। तो हमने अपना फिक्स प्रॉफिट कर लिया है, लेकिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज चलने के बाद अब एकदम से ऊपर गया है, तो हमें यहाँ पर अपना रिस्क मैनेज करना था तो हमने कर लिया। अगर ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हम लॉस भी ज़्यादा लेने वाले नहीं थे, और इसमें मैंने अपना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया, मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी अपने ब्रोकर के पास। और अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 387-392 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब पोजीशन तो कट गई है, लेकिन ये ब्रोकर वहाँ पर वह तो बस यूं ही दिखा रहा है, ठीक है। अब ये मैंने रिफ्रेश कर दिया ना तो नहीं दिखा रहा। तो अब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार इसमें तो मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि आपने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि मुझे तो बस इतना चाहिए, तो उतना आपको मिल गया। अब आप यहाँ पर दूसरा ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि अब मुझे इतना चाहिए। तो ऐसे करके अगर आप दिन में मान लो कि 5 ट्रेड भी लेते हैं और आपने अपना प्रॉफिट तो ज़्यादा रखा है और लॉस कम रखा है, तो यहाँ पर जो आपका रिस्क और रिवार्ड का रेशियो है तो वो यहाँ पर आपका मेंटेन होके चल रहा है। तो दोस्तों, दिखने में सिंपल सी चीज़ मतलब कि ब्रेकेट ऑर्डर बहुत ही बड़े काम की चीज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर ट्रेडर को इसके बारे में पता ही नहीं रहता, वो ब्रोकर का यूज करते हैं सिर्फ बाई करने के लिए और सेल करने के लिए, अच्छे से अच्छे ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वो उसकी अच्छी फैसिलिटी का यूज नहीं करते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूँ कि ये सारे ब्रोकर आपको फैसिलिटी नहीं देते हैं, जीरोधा देता है, ठीक है। साथ ही जो आपका एंजल वन है तो एंजल वन देता है, लेकिन एंजल वन ने इसका नाम चेंज कर दिया है। यहाँ पर तो इसको ब्रैकेट ऑर्डर के नाम से जाना जाता है, एंजल वन में इसको रोबो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये रोबो का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आप धन ऐप की बात करें तो ये वहाँ पर भी मिल जाता है, और कुछ ही ब्रोकर है जो और देते हैं, अधिकतर ब्रोकर में आपको ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर इनमें से आप किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहें तो मैं लिंक दे रहा हूँ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।